आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का सेटअप मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिया, सिरामिक का नोजल लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इनर्ट गैस को सप्लाई करने के लिए यहाँ पे प्लेस दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये सिरामिक के जो नोजल होते हैं वहाँ हम प्लाज्मा सप्लाई करते हैं इसके थ्रू, तो इसमें टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, तो उसको कूल करने के लिए हम कूलिंग बटर भी यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हम नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। टंगस्टन के इलेक्ट्रोड और बल्क पीस के सप्लाई में पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं, पावर सोर्स बोल सकते हैं उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका सेटअप होता है, ठीक है। अब इसमें जो वेल्डिंग टेम्परेचर होता है वो काफी हाई होता है, वो होता है 11,000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 11,000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, प्लाज्मा आर्क यूज करते हैं, ठीक है ना। आर्क इनिशियली जनरेट कर लेते हैं इन इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हाई प्रेशर प्लाज्मा सप्लाई करते हैं, तो इसके कारण प्लाज्मा आर्क जनरेट होता है। जो प्लाज्मा होता है उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है ना। उसके कारण इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो पहुंच जाता है 11,000 डिग्री सेल्सियस तक। तो हम क्या कर सकते हैं, हाई थिकनेस और हाई मेल्टिंग पॉइंट के मटेरियल को भी वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये प्लाज्मा वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क कटिंग दोनों की प्रोसेस एक ही है, ठीक है ना। डिफरेंस इतना है, ये वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं और जिस वर्क पीस को कट करना होता है उस पर भी सेम यही सेटअप लगता है, लेकिन उसमें हम कटिंग करते हैं। जैसे कि आर्क वेल्डिंग हो जाती है और आर्क कटिंग, जब वेल्डर को कोई बड़ा पीस कट करना रहता है तो उसी के थ्रू वो कट कर लेता है और वही चीज वेल्ड करने के काम आती, सेम इसी में होता है। इसीलिए आर्क, ये प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क कटिंग दोनों का सेटअप सेम है, बस इसमें वेल्ड करते हैं उसमें सेट करते हैं। इस वजह से होता क्या है, इसमें हीट अफेक्टेड जोन वेरी लेस होता है। उसका रीजन भी ये है क्योंकि इसमें जो प्लाज्मा होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से जो हीट अफेक्टेड जोन होता है वो बहुत ही कम होता है और वेल्ड बीट की थिकनेस भी बहुत कम होती है, ठीक है ना। ऐसे कि मान लीजिए ये थिकनेस है इसकी टी और ये डेप्थ ऑफ कट, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो वेल्डिंग होती है इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि हाई कॉस्ट होती है, कॉस्टली प्रोसेस है, वेरी वेरी कॉस्टली प्रोसेस है, ठीक है। ये इसका बोल लीजिए या तो डिसएडवांटेज है या फिर ये कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि इसमें हम हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई थिकनेस के जो मेटल्स होते हैं उनको मेल्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसका यूज करते हैं हम टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकिल, मोलिब्डेनम, इन सब चीज़ों को बेल्ट करने के लिए और इनके एलो को बेल्ट करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है और इनको बेल्ट करने के लिए। और दूसरी बात ये भी होती है क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं वो कॉस्टली जो प्रोसेस या फिर जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं या फिर जो प्रोडक्ट हम फाइनल डेवलप करने वाले वो भी कॉस्टली होता है। ऐसे कि एरोस्पेस इंडस्ट्रीज महंगी पड़ती है, जेट इंजन पार्ट्स वो भी काफ़ी महंगे पड़ते हैं। उन सब चीज़ों को बेल्ट करने के लिए प्रिसाइज हमको प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, वो होती है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो ऐसे कि टर्बाइन ब्लेड्स, अब टर्बाइन भी हम हर दूसरे दिन चेंज नहीं कर सकते, एक बार टर्बाइन सेट होने के बाद कम से कम 4-5 साल तक उसको चलना है, और जब तक वो चले जैसे ही इंस्टॉल होता है उसके बाद उसको 1 साल की पूरी सर्विसिंग देनी है लगातार, यानी कि 1 साल तक यदि वो एक बार स्टार्ट हो गया तो बंद नहीं होना है, ठीक है ना। इसीलिए ये पार्ट्स बनाने के लिए कॉस्टली पढ़ते हैं, इसलिए हम कॉस्टली प्रोसेस भी यूज करते हैं, ये प्रिसाइज होती है, ठीक है। तो ये होती है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। अब मैं सारी प्रोसेस को एक बार और बता देता हूँ। इसमें आर्क जनरेट होता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस के बीच में। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सिरामिक नोजल से प्लाज्मा सप्लाई करते हैं, उस कारण प्लाज्मा आर्क जनरेट होता है, ठीक है ना। इसके जो आर्क जनरेट होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इससे हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से हाई टेम्परेचर और हाई थिकनेस की जो मेटल होती है उसको भी हम बेल्ट कर सकते हैं, ठीक है ना।
इसमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा होती है और वेल्डिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसमें जो बेल्ट बीट और हीट अफेक्टेड जोन वो बहुत कम होता है। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन है वेल्डिंग ऑफ टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकिल, मॉलिब्डेनम एंड इट्स एलॉय इन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जेट इंजन के पार्ट्स बनाते हैं, टर्बाइन ब्लेड्स बनाते हैं, इन सब चीजों को वेल्ड करने के लिए हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का यूज करते हैं। तो ये हो गया प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में। यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, यदि और भी कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें हम जो पावर सप्लाई यूज करते हैं वो करते हैं डायरेक्ट करंट, स्टेट पोलैरिटी और एसी। ठीक है, डायरेक्ट करंट स्टेट पोलैरिटी क्या होती है, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी क्या होती है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है ना, तो आप उससे भी पता कर सकते हैं कि उससे भी मतलब आपको पता चल जाएगा कि क्या होती है। यदि आपको पता नहीं है, यदि पता है तो भी आप देख सकते हैं मोर क्लियरिफिकेशन के लिए। तो ये होती है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। इसमें हम सिरामिक के नोजल से यहाँ से हाई प्रेशर प्लाज्मा सप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसको सीलिंग करने के लिए इनर्ट गैस भी सप्लाई करते हैं, सीलिंग एटमोसफियर प्रोवाइड करने के लिए। तो इसमें हम 11,000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कॉस्टली होती है। इसमें स्टेट पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट, स्टेट पोलैरिटी और एसी करंट का हम यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में। यदि आपका कोई डाउट रह गया, यदि कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक भी करें। थैंक यू।